अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो हमेशा की तरह इंतहाई दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव है, तो इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, 20वीं सदी को टेक्नोलॉजी की सदी कहा जाता है। इस एक सदी में इंसान ने जितनी तरक्की की है इतने पिछले कई हजार सालों में नहीं। इस सदी में जहाँ नई नई इजादात हुई वहीं पुरानी इजादात में भी इनोवेशन आई और मयारी जिंदगी मजीद बेहतर हुआ। इसी सदी में हवाई जहाज की इजाद ने जहाँ एक नई सफरी सनत को तारफ करवाया वहीं बहरी जहाजों में भी जिद्दत आ गई। नाज़रीन, बहरी जहाज सदियों से इंसान के तिजारती और सफरी मकासद पूरे करते आए हैं। 19वीं और 20वीं सदी में जहां तिजारत को फरोग मिला वहीं बहरी जहाजों की अहमियत भी बढ़ गई। 19वीं सदी के आखिर तक दुनिया की ज्यादातर तिजारत समुद्री रास्तों से होने लगी, तो बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियों ने लग्जरी मुसाफिर जहाज और तिजारती बेड़े लॉन्च करने शुरू कर दिए। उन्हीं कंपनियों में एक व्हाइट स्टार लाइन कंपनी भी थी जिसने मशहूर जमाना जहाज टाइटैनिक तैयार करवाया, जो अपने पहले ही सफर के दौरान हादसे का शिकार हो गया। नाज़रीन, 3 सालों में तैयार होने वाला ये दोहेकल जहाज टाइटैनिक 3 घंटों में कैसे डूबा? जेम्स कैमरून की मशहूर जमाना टाइटैनिक फिल्म में दिखाए जाने वाले वाकयात कितने हकीकी हैं? क्या वाकई टाइटैनिक एक बर्फानी तौदे से टकरा कर तबाह हुआ था या असल हकायक कुछ और है? क्या समुन्दर की तह में इसका मलबा आज भी मौजूद है? टाइटैनिक का बुजदिल तरीन आदमी किसे कहा जाता है और उस जहाज पर दिलेर तरीन इंसान कौन था? ये सब और टाइटैनिक से मुतल्लिक इंतहाई दिलचस्प हकायक आज की वीडियो में हम जान सकेंगे। नाज़रीन, टाइटैनिक जिसका पूरा नाम रॉयल मेल शिप टाइटैनिक था, एक ब्रिटिश मुसाफिर बरदार बहरी जहाज था। इस अजीम शान जहाज की तामीर का आगाज 1909 में शुमाली आयरलैंड के शहर बेलफास्ट में किया गया। ये जहाज व्हाइट लाइन स्टार इदारे की मलकियत था और उसे हार्लैंड एंड वुल्फ नामी फर्म ने तैयार किया था। दिलचस्प बात यह है कि इस कंपनी ने उसी दौर में बिल्कुल टाइटैनिक की तरह की मजीद 2 सिस्टर शिप्स भी, ओलंपिक और ब्रिटैनिक भी तैयार की थी, जो व्हाइट स्टार लाइन कंपनी की ही मलकियत थी। टाइटैनिक उन तीनों शिप्स में से सबसे बड़ा था। इसकी जसामत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस वक्त उसका सिर्फ ढांचा तैयार करने में 2 साल का अरसा लगा था। ढांचा तैयार होने के बाद मजीद 1 साल उसकी तजियों आराइश पर लगा और आखिरकार 3 सालों में ये पुरतायुश और लग्जरी जहाज तैयार हो गया। इसे पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए तकरीबन 3000 कारीगरों और मजदूरों ने काम किया। नाज़रीन, इस बात में कोई शक नहीं कि आजकल तो बहुत बड़े और लग्जरी जहाज समुन्दर में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उस वक्त टाइटैनिक को दुनिया का सबसे बड़ा जहाज होने का एजाज हासिल था। ये जहाज 882 फीट लंबा और 92 फीट चौड़ा और 175 फीट ऊंचा था। इसका कुल वजन तकरीबन 46,000 टन था। इस जहाज पर 3,500 मुसाफिरों की गुंजाइश थी। अपने वक्त के उस अजीम शान लग्जरी जहाज की तैयारी पर उस वक्त 75 लाख अमरीकी डॉलर्स की लागत आई थी। इस रकम को अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो ये तकरीबन 40 करोड़ डॉलर्स बनती है। टाइटैनिक में एक रेस्टोरेंट, जिम और फर्स्ट क्लास मुसाफिरों के लिए एक स्विमिंग पूल भी बनाया गया था। इसके अलावा टाइटैनिक का अपना एक जाती अखबार अटलांटिक डेली बुलेटिन भी था, जो रात जहाज में ही प्रिंट होता था। टाइटैनिक जहाज पर धुएं के इखराज के लिए 4 चिमनियां बनाई गई थीं। हर चिमनी की लंबाई 81 फीट थी। 4 में से धुआं सिर्फ 3 चिमनियां खारिज करती थीं। इसका अंदरूनी डिजाइन लंदन के एक मशहूर होटल द रिट्ज़ से मुतासिर होकर बनाया गया था। 1906 में तामीर होने वाला ये होटल आज भी लंदन में मौजूद है। जहाज में 50 टेलीफोन थे जिसके जरिए मुसाफिर जमीन पर राबिता कर सकते थे। नाज़रीन, टाइटैनिक ने अपना पहला सफर 10 अप्रैल 1912 में कैप्टन एडवर्ड जे स्मिथ की क़यादत में किया। उस जहाज की इतनी शोहरत थी कि जिस दिन टाइटैनिक साउथहैम्पटन की बंदरगाह से रवाना हो रहा था तो उसको देखने के लिए 1 लाख के करीब लोग साहिल पर मौजूद थे। साउथहैम्पटन इंग्लैंड से 10 अप्रैल को सफर का आगाज करने के बाद ये जहाज फ्रांस के एक बंदरगाह पर कुछ देर के लिए रुका। वहाँ से कुछ और मुसाफिरों को सवार करने के बाद अगले दिन टाइटैनिक ने अपना पड़ाव आयरलैंड की बंदरगाह क्वींसटोन पर किया और 11 अप्रैल को ही न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गया। बर्तानिया से शुरू होने वाला ये सफर 7 दिनों पर मुहित था और टाइटैनिक को 17 अप्रैल 1912 को न्यूयॉर्क पहुंचना था, लेकिन बदकिस्मती से ये बहरी बेड़ा अपना पहला सफर ही मुकम्मल ना कर पाया और 14 अप्रैल रात 11:40 पर एक बर्फानी तौदे से टकरा गया। नाज़रीन, 3,500 मुसाफिरों की गुंजाइश रखने वाले उस जहाज में उस रात अमले समेत तकरीबन 2,200 अफराद सवार थे, जिनमें उस वक्त के कई अमीर और मशहूर तरीन अफराद के अलावा व्हाइट लाइन कंपनी के चेयरमैन जेब रूस और जहाज के चीफ डिजाइनर थॉमस एंड्रयू भी सवार थे। जेब रूस वही शख्स था जिसने जहाज का लंगर उठाते हुए दावा किया था
कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकता। नाज़रीन 10 अप्रैल को अपने सफर का आगाज करने वाला ये दो हैकल जहाज 14 अप्रैल को उस मुकाम पर पहुंचा जहां पर कई बर्फानी तौदे मौजूद थे। टाइटैनिक के अमले को उस समुद्री रास्ते पर सफर करने वाले कई जहाजों ने बर्फानी तौदों से मुतल्लिक खबरदार किया, लेकिन जहाज के हुकाम ने उन सिग्नल्स को नजरअंदाज कर दिया। ये भी कहा जाता है कि जेब रूस ने टाइटैनिक को इसलिए नहीं रुकवाया कि वो मुकर्रा वक्त से एक दिन पहले न्यूयॉर्क पहुंचकर एक नया रिकॉर्ड कायम करना चाहता था। इस समुद्री रास्ते पर सफर करने वाले मुख्तलिफ जहाजों ने टाइटैनिक को 6 रेडियो सिग्नल्स भेजे जिनमें बर्फानी तौदों से मुतल्लिक खबरदार किया गया, लेकिन टाइटैनिक उसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा और फिर 14 अप्रैल की रात 11:40 पर साहिल समुंदर से तकरीबन 740 किलोमीटर की दूरी पर ये दो हैकल जहाज एक 100 फीट ऊंचे बर्फानी तौदे से टकरा गया। उस हादसे में बच जाने वाले कुछ मुसाफिरों के मुताबिक जब बर्फानी तौदा नजर आया तो उस वक्त वो सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर था और 22 नॉटिकल माइल की स्पीड से सफर करने वाले उस हैवी जहाज को इतनी जल्दी मोड़ना मुमकिन नहीं था। कैप्टन स्मिथ ने जहाज को बाएं जाने मोड़ने का हुक्म दिया, लेकिन उस बहुत देर हो चुकी थी। जहाज के दाएं तरफ बर्फानी तौदे से टकराने की वजह से एक बहुत बड़ा शगाफ पड़ चुका था और पानी जहाज के सबसे निचले हिस्से में दाखिल होना शुरू हो गया था। कहा जाता है कि टाइटैनिक उस टेक्निक से बनाया गया था कि अगर नीचे के 4 कंपार्टमेंट्स में चला जाता तो जहाज नहीं डूब सकता था, लेकिन पानी 4 के बजाय 6 कंपार्टमेंट्स में दाखिल हो गया था, जिसके बायस जहाज एक तरफ झुकने लगा। पहले पहल तो जहाज के मुसाफिरों को इल्म ही ना हो पाया कि क्या हादसा पेश आ चुका है, लेकिन तकरीबन 1 घंटे के बाद पूरे जहाज पर खलबली मच चुकी थी। कैप्टन स्मिथ ने मदद के लिए आतिशी सिग्नल फिजा में छोड़ने का हुक्म दिया, साथ साथ उन्होंने फौरी तौर पर औरतों और बच्चों को लाइफ बोट्स में बिठाना शुरू कर दिया, जबकि इस दौरान खतरे को भांप कर कुछ लोगों ने जहाज से छलांगें लगाना शुरू कर दी। दिलचस्प बात यह है कि टाइटैनिक पर मुसाफिरों के हिसाब से 60 लाइफ बोट्स होनी चाहिए थी, क्योंकि जहाज के मालिकान को यकीन था कि ये जहाज नहीं डूब सकता, इसलिए सिर्फ 20 लाइफ बोट्स रखी गई थी। कैप्टन स्मिथ की कोशिशों से 20 की 20 लाइफ बोट्स को समुन्दर में उतार दिया गया। नाज़रीन 3 साल में तैयार होने वाला ये दो हैकल बहरी बेड़ा तकरीबन सिर्फ 3 घंटे में ही डूब गया। एनी शाहिदीन के मुताबिक जहाज आखिरी वक्त में दरमियान 2 हिस्सों में टूट गया था और लोग उस वक्त भी जहाज से छलांगे लगा रहे थे। जहाज पर सफर करने वाले तकरीबन 2200 अफराद में से 1500 के करीब उस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे, जबकि 20 लाइफ बोट्स की बदौलत सिर्फ 700 के करीब अफराद को बचाया जा सका। अफरा तफरी और नफसा नफसी की वजह से बाज़ लाइफ बोट्स में गुंजाइश से कम और बाज में गुंजाइश से ज्यादा अफराद सवार हुए। दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त टाइटैनिक डूब रहा था उस वक्त उसके करीब 3 कैलिफोर्नियन नामी जहाज मौजूद था, जो कि उस वक्त सिर्फ 37 किलोमीटर दूर था, लेकिन उस जहाज के कैप्टन ने टाइटैनिक की तरफ से भेजे जाने वाले सिग्नल पर कोई तवज्जो ना दी और अपना सफर जारी रखा। कैलिफोर्नियन के अलावा जो जहाज टाइटैनिक के करीब मौजूद था वो RMS कार्पेथिया था। कार्पेथिया उस वक्त टाइटैनिक से तकरीबन 107 किलोमीटर की दूरी पर था। टाइटैनिक की जानिब से तश्वीशनाक सिग्नल्स मिलने के बाद कार्पेथिया के कैप्टन हेनरी आर्थर ने फौरन जहाज का रुख टाइटैनिक की जानिब मोड़ दिया और सुबह तकरीबन 3:30 के करीब टाइटैनिक के मुकाम पर पहुंच गया। टाइटैनिक कार्पेथिया के पहुंचने से 1 घंटा कबल डूब चुका था। जिंदा बच जाने वालों में तकरीबन 700 अफराद कार्पेथिया में सवार हो गए। ये जहाज टाइटैनिक उन मुसाफिरों को लेकर 18 अप्रैल को न्यूयॉर्क पहुंचा। उस जहाज के अमले को इंसानी जाने बचाने पर भरपूर खराज तहसीन पेश किया गया और उसके कैप्टन को अमरीकी कांग्रेस की तरफ से एक चांदी की ट्रॉफी से नवाजा गया। नाज़रीन टाइटैनिक तकरीबन 1 सदी पहले डूब चुका, लेकिन 20वीं सदी में पेश आए उस हादसे की वजूहात साइंसदान आज तक तलाश करने में लगे हुए हैं। हादसे के फौरन बाद होने वाले इंक्वायरीज में जहाज के कैप्टन जॉन स्मिथ को मुर्दे इल्जाम ठहराया गया कि उन्होंने मुख्तलिफ जहाजों की जानिब से बर्फानी तौदों की मौजूदगी से मुतल्लिक मिलने वाले सिग्नल्स को नजरअंदाज किया। इसके अलावा जहाज पर मतलूबा तादाद से कम लाइफ बोट्स की मौजूदगी भी उनकी लापरवाही करार दी गई, क्योंकि अगर मुसाफिरों के हिसाब से पूरी लाइफ बोट्स मौजूद होती तो ज्यादा लोगों की जानें बचाई जा सकती थी, लेकिन उन कोताहियों के बावजूद जॉन स्मिथ अमले के साथ खवातीन और बच्चों को आखिरी दम तक लाइफ बोट्स में सवार करवाता रहा। नाज़रीन कहा जाता है कि वो आखिरी शख्स था जिसने जहाज से तब छलांग लगाई जब वो तकरीबन मुकम्मल तौर पर डूब चुका था। इसी बिना पर उसे जहाज में मौजूद सबसे दलेर आदमी कहा जाता है। अपनी जान गंवाकर दूसरों की जान बचाने के इस अजीम जज्बे को खराज तहसीन पेश करने के लिए उसका मुजस्मा इंग्लैंड में नस्ब किया गया। जहाज के कैप्टन ने बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया, लेकिन जहाज के मालिक
व्हाइट लाइन स्टार कंपनी के चेयरमैन ब्रूस ने जैसे ही जहाज को हादसा पेश आया फौरन एक लाइफ बोट में छलांग लगाई और अपनी जान बचाकर भाग निकला। इसके अलावा इंक्वायरी में उस पर ये इल्जाम भी लगा कि कैप्टन स्मिथ को जहाज की रफ्तार कम न करने का हुक्म भी ब्रूस ने ही दिया था। जय ब्रूस की इस खुदगर्जी पर पूरी दुनिया में उस पर तनकीद हुई और उसे दुनिया का बुजदिल तरीन आदमी कहा गया। नासिन टाइटैनिक का मलबा उसके डूबने के 70 साल बाद यानी 1985 में एक अमरीकी रिटायर्ड नेवी ऑफिसर और प्रोफेसर रॉबर्ट बेलार्ड ने ढूंढ निकाला। टाइटैनिक का ये मलबा समुन्द्र की तह में 3,800 मीटर नीचे आज भी मौजूद है। मलबा मिलने के बाद जहां बहुत से सवालों के जवाब मिल गए वहीं बहुत से नए सवाल भी पैदा हो गए। जैसा कि हादसे में बच जाने वाले कई ऐनी शाहिदीन का कहना था कि जहाज दो हिस्सों में टूट गया था लेकिन इस बात पर यकीन नहीं किया गया। लेकिन 1985 में मिलने वाले उस मलबे से ये बात साबित हो गई कि जहाज वाकई टूट कर दो हिस्सों में तकसीम हो गया था। इसके अलावा कुछ अरसा कबल एक तहकीकाती टीम ने टाइटैनिक के मलबे से ये अंदाजा लगाया कि टाइटैनिक में बर्फानी तौदे के टकराने से पहले आग लग चुकी थी जिससे जहाज का निचला हिस्सा कमजोर हो चुका था। यही वजह थी तौदे से टकराने से जहाज के उस हिस्से को ज्यादा नुकसान पहुंचा। आग जहाज के 3 मंजिला फ्यूल स्टोर में भड़क उठी थी और उसकी तपश 1000 सेंटीग्रेड तक जा पहुंची थी। अमले ने आग को बुझाने की कोशिश की लेकिन नाकामी के बाद उस आग को वैसे ही छोड़ दिया गया और शायद मुसाफिरों को भी उस आतिशजदगी से मुतल्लिक ला इल्म रखा गया था। नाज़रीन ये तहकीक टाइटैनिक के मलबे पर 30 साल तहकीक करने वाले आयरलैंड के एक सहाफी ने की। नाज़रीन टाइटैनिक के हवाले से कुछ मजीद दिलचस्प हकायक आपको बताते हैं कि टाइटैनिक के हादसे में तकरीबन 300 लाशें मिली, उनमें से ज्यादातर को कनाडा के शहर हैलीफैक्स के कब्रिस्तान में दफन किया गया। बाकी अफराद की लाशें कभी नहीं मिली। उन ना मिलने वाली लाशों में जहाज के कैप्टन जे स्मिथ भी शामिल थे। जहाज जब डूबने के करीब था तो वहाँ मौजूद मौसीकारों ने म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया था ताकि आखिरी वक्त में लोग घबराहट का शिकार ना हों। इसके अलावा जहाज पर बच जाने वाले मुसाफिरों में सबसे कम उम्र मुसाफिर बेबी मेलविना थी जो उस वक्त चंद माह की थी। मेलविना ने 98 साल की उम्र पाई और 2009 में वफात पाई। मेलविना को टाइटैनिक का लास्ट सर्वाइवर कहा जाता है। इसके अलावा टाइटैनिक में एक शख्स जॉन जैकब चहारम भी सवार था जिसे उस वक्त दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शुमार किया जाता था। कहा जाता है कि उसकी उस वक्त की दौलत 90 मिलियन डॉलर थी जो आज के हिसाब से 2 बिलियन डॉलर बनती है। एक अंदाजे के मुताबिक टाइटैनिक का मलबा जो कि समुन्द्र में 3,800 मीटर नीचे मौजूद है वो 2030 तक गल सड़कर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। टाइटैनिक के इस तारीखी सफर में एक ऐसी नर्स भी सफर कर रही थी जो इस हादसे में बच जाने के बाद 4 साल बाद एक और बहरी जहाज में जान बचाने में कामयाब हुई। टाइटैनिक के इस सफर में मुसाफिरों और अमले के लिए काफी तादाद में दूरबीनें मौजूद थी लेकिन वो जहाँ रखी थी वहाँ एक ताला लगा हुआ था और उस ताले की चाबी किसी के पास नहीं थी, इसलिए मलबे में कोई दूरबीन नहीं मिली। कहा जाता है कि अगर वो दूरबीनें अमले के पास होती तो शायद इस तौदे को पहले देखा जा सकता था। नाज़रीन 20वीं सदी के इस हादसे पर अब तक बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी हैं। किताबों के अलावा इस अलमनाक हादसे पर हॉलीवुड की फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं। टाइटैनिक पर वैसे तो कई फिल्में बन चुकी हैं लेकिन 1997 में बनने वाली जेम्स कैमरून की टाइटैनिक को बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल हुई। जेम्स कैमरून की इस रिकॉर्ड याफ्ता शोहरा आफाक फिल्म ने 11 ऑस्कर अवार्ड जीते जबकि ये कुल 14 ऑस्कर अवार्ड के लिए नामजद हुई थी। इस फिल्म ने 2 अरब डॉलर से ज्यादा का बिजनेस किया और दोस्तों 1997 में बनने वाली ये फिल्म उस वक्त तक बनने वाली सबसे महंगी फिल्म थी। उस पर तकरीबन 20 करोड़ डॉलर का खर्चा आया। ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि जितना खर्च टाइटैनिक के जहाज पर आया था इस फिल्म पर उससे कहीं ज्यादा खर्च आया। नाज़रीन इस अलमनाक हादसे पर जहां इंग्लैंड में हादसे की वजूहात का जायजा लिया गया वहीं अमेरिका में इस पर एक इंक्वायरी हुई। उन इंक्वायरीज में इस हादसे के असबाब का जायजा लिया गया और बच जाने वाले मुसाफिरों के बयान के तनाजर में आइंदा इस जैसे हादसात से बचने के लिए लायअमल तैयार किया गया। हादसे के 1 साल बाद बरतानवी पार्लियामेंट ने एक ऐसा कानून मंजूर किया जिसके मुताबिक हर जहाज के लिए मुसाफिरों की तादाद के मुताबिक लाइफ बोट्स लाजमी करार पाएं। इसके अलावा 16 ममालिक ने 1914 में इंटरनेशनल आइस पेट्रोल का निजाम मुतारफ करवा दिया। इस निजाम के तहत एक टीम बहरे ओकियानोस में मौजूद बर्फानी तौदों से मुतल्लिक उन रास्तों पर सफर करने वाले जहाजों को मुसलसल आगाह करती रहती है ताकि मुस्तकबिल में टाइटैनिक जैसे हादसों से महफूज रखा जाए। नाज़रीन उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह वारिस।